ड्रैगन ही डायनासोर थे, या कहूँ कि डायनासोर ही ड्रैगन थे। हाँ, मैं सस्ते नमक के नशे नहीं करता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, तो जरा ध्यान से सुन लो। ड्रैगन एग्जिस्ट होते थे और वो डायनासोर थे, ये थ्योरी पर स्टडी भी हुई है। पंछी मरने के बाद पंछी के पंख बाकी हड्डियों की तरह फॉसिलाइज नहीं होते हैं, वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। और फॉसिल में देख सकते हो कि उनके पंख पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं, मानो उनके पास पंख ही नहीं थे। और यहीं से ये थ्योरी की शुरुआत होती है। तो मान लो किंग ऑफ डायनासोर टी-रेक्स असल में उड़ने वाला ड्रैगन था और उसके विंग डिकम्पोज हो गए। देखो, असल में हम नहीं जानते कि डायनासोर कैसे होते हैं, ये तो हमारा अजम्पशन है, क्योंकि जब भी हमें किसी डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं तो वो 50 या 40% तक ही होते हैं, और ये गेस करना पड़ता है कि क्या कैसे होगा। और म्यूजियम में जो डायनासोर की हड्डियां रखी है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। और एक समय तक हम ये भी नहीं जानते थे कि डायनासोर के पास पंख होते थे। देखो, डायनासोर इतिहास का ऐसा रहस्य है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है, और जिसकी पहेलियां हम एक दो ही सुलझा पाए हैं। आपके पास कोई ऐसी थ्योरी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगली वीडियो में आपकी थ्योरी के साथ आपके नाम को भी शाउट आउट दूंगा।